आपको मालूम है गंगा नदी में कपड़े धोना मना है। फिर नहीं फिर चाहिए। हाँ फिर खुद मना करते हैं, क्या कीजिएगा, मजबूरी में खींचना पड़ा, पानी है गया। फिर पानी आप बाल्टी में लेके जाके बाथरूम में धो सकते हैं ना। हाँ, ये तो कर सकते। फिर गंगा नदी, हम गंगा स्नान करते हैं क्योंकि हमारा तन मन शुद्ध हो। और फिर गंगा को हम अशुद्ध करेंगे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहाँ से निकली है गंगा? गंगा गोदावरी सरस्वती तीनों तो एक ही है। महादेव की जटाओं से निकली है ना? फिर आप महादेव की जटाओं में गंदगी कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, गलत बात है ये। आपने समझना चाहिए, अपने में जागरूकता आनी चाहिए। हम नहीं जागेंगे तो फिर दूसरा नहीं जाएगा। फिर वही, फिर आप बोल भी रहे और कर भी रहे। नहीं ऐसा नहीं। झारखंड के श्री साहिबगंज जिले में पवित्र गंगा का यह हाल देख के मुझे बुरा लग रहा है और ये ऐसी बुरी यादें लेके मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, राजमहल की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहले बिजली घाट, बाद में हमने जो देखा वो मुक्तेश्वर घाट, उसके ही बगल में शमशान घाट और उसके ही बाद ये फेरी घाट। लेकिन सारे घाटों का हाल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े बोर्ड गंगा स्वच्छता के, नदी स्वच्छता के यहाँ दिखाई दे रहे मुझे, लेकिन उसका अनुसरण कोई कर नहीं रहा है, इस बात का दुख लग रहा है। और इसी दुख भरी यादों के साथ हम झारखंड से अभी जा रहे आगे, साहिबगंज से आगे राजमहल। फेरी घाट दिखा के मैं आपको अभी आगे ही बढ़ने वाला था राजमहल की तरफ, तो रास्ते में मैंने ये चित्र देखा एक। ये देखिए, ये अभी साहिबगंज से आता बड़ा सा नाला मुझे, मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नाला है लेकिन अभी ये पत्तियों की वजह से ढका है। और इस ब्रिज की नीचे से ये यहाँ आ रहा है यहाँ, और सामने जो आप बहती दिख रही है वो गंगा, मतलब पूरा नाले का पानी, नगर का सांड पानी डायरेक्ट गंगा में यहाँ भी जाते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं वही वहाँ उस बिजली घाट पे देख के हैरान हो गया कि कोई नाला क्यों नहीं मुझे दिख रहा है आते हुए। तो आगे जब आया तो ये बड़ा सा नाला दिखा मुझे, गलत बात है यार ये। और इधर ही बगल में बोर्ड लिखे बड़े बड़े गंगा स्वच्छता के, लोगों में जागरूकता के, लेकिन इतना बड़ा नाला कैसे हम ये कर सकते यार, क्या बोलेंगे यार। हैंडलूज गिर गया था यार पीछे, बहुत ही सुनसान रास्ते है इस झारखंड के, रास्तों के काम शुरू है, धूल मिट्टी से भरा आज का दिन रहा है अपना। हैंडलूज लेने गया था मैं, और देखे ना पहाड़ियाँ मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई, उत्तराखंड जब से छोड़ा है, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा, बिहार में नहीं दिखा, लेकिन राजमहल जाते वक्त ये राजमहल जो है ना दोस्तों, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा मुझे लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही है। मनोरम मोती झरना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजमहल पर्यटन क्षेत्र का मोती महल झरना ये प्रमुख आकर्षण केंद्र है जो यहाँ से 3 किलोमीटर जाता है, लेकिन हमें अभी मोती झरना नहीं देखना है, हमें देखना है गंगा घाट। तो हम जा रहे राजमहल में, गंगा माता कैसे दिखती है वो मैं देखना चाहता हूँ, झरना बाद में देखेंगे। ओके, कल को स्टैंड में अपने साइकिल गिरा के मैं अभी आपको वापस अपनी गंगा मैया के दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे गंगा किनारे के बसे बस्तियों के घर आप देख रहे हैं, और बहुत ही गहरा पानी होगा यार यहाँ पे,
क्योंकि बहुत ही नीचे मुझे पात्र दिख रहा है गंगा जी का। यहाँ पे 10 किलोमीटर पहले हम राजमहल से, पानी देखिए कितना स्वच्छ यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे घाट मुझे पसंद है जहाँ लोगों की बस्ती नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ अपनी गंगा मैया एकदम शांत निर्मल और बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से बह रही है। तो सुकून लग रहा है दोस्तों गंगा के इस तट पे आके, क्योंकि बहुत ही निरय शांतता यहाँ पे लग रही है और गंगा भी शांत बह रही है और वातावरण भी शांत है। ये क्यों है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं है। ये निर्मनुष्य गंगा का तट मैं राजमहल से पहले का दिखा रहा हूँ आपको, 10 किलोमीटर पहले। और निर्मनुष्य होने की वजह से ना कोई कचरा है, ना कूड़ा है, ना गंदगी है, पूरा स्वच्छ तट और गंगा का पानी भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्भर दिख रहा है। तो चल रहे हम राजमहल की तरफ, ऐसा तट देख के आनंद होता है, खुशी होती है। तो एक्चुअली मैं राजमहल जा ही रहा था तो मुझे रास्ते में एक स्कूल दिखा और स्कूल के ही नज़दीक दिखा ये सरकंडा घाट। नमामि गंगे के तहत ये बनाया गया, पूरा सुशोभीकरण आप देख रहे हो और नीचे है गंगा घाट। एक्चुअली मैं आगे गया था इसलिए अभी साइकिल वहाँ नहीं लिए, यहाँ पे लगाई है मैंने साइकिल। और अभी हम नीचे चल के देखते हैं यहाँ का ये सरकंडा घाट। घाट तो काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी को जो बाढ़ आई होगी उसकी वजह से घाट के ऊपर पूरा ये मिट्टी जमा हो गया है। और ये साफ़ सुथरा क्यों दिख रहा है मालूम है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की बस्ती नहीं है, यहाँ सिर्फ एक स्कूल है और ज़्यादा लोगों की बस्ती आजू बाजू में नहीं। अगर बस्ती हो तो ये घाट भी गंदा ही दिखता मुझे, लेकिन यहाँ देखिए आप कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, पूरा साफ एकदम स्वच्छ। साहिबगंज से राजमहल तक ये जो रोड है दोस्तों ये हाईवे है और पूरा गांव-गांव से जा रहा है ये झारखंड के गांवों में जो लोगों को रहना सहना, उनकी घर, उनका व्यवसाय हम देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे अभी हमें लगा है ये है कन्हैया स्थान। साहिबगंज और राजमहल से लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ता है ये कन्हैया स्थान। गंगा घाट पर ये स्थित ये कन्हैया स्थान बहुत ही धार्मिक एक स्थान है। तो दोस्तों राजमहल जाते समय हमको अभी पीछे लगा मंगल हाट वहाँ है और मंगल हाट से ही मैं आगे जा रहा था तो बीच में मुझे ये मोनूमेंट दिखा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा यहाँ और इसका नाम है बरादारी बिल्डिंग और ये एक संरक्षित स्मारक है। तो देखता हूँ मैं अंदर जाके और देखता हूँ ऊपर जाके कैसा है ये, गंगा किनारे ही बसा ये भी। तो यहाँ पे बारादरी की जानकारी लिखी गई है, मैं आपको एक मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ। ईश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसके निर्माता के नाम पर विवाद है। कुछ विद्वान राजा मानसिंह के प्रतिद्वंदी फतेहजंग खान को इस भवन का निर्माता मानते हैं, जबकि अन्य इसके निर्माण का श्रेय बंगाल के नवाब मीर कासम अली खान को देते हैं। एक ऊंचे स्थल पर निर्मित यह भवन चबूतरे पर बना है जिसकी दीवार की ऊंचाई लगभग 9 मीटर थी। वर्तमान में यह 5 मीटर ऊंची का दीवार का अवशेष ही बचा है। वेलकम टू राजमहल। राजमहल नाम से मुझे ऐसा लगा था कि झारखंड का सबसे बड़ा और एकदम चकाचौंध वाला सिटी होगा राजमहल, लेकिन ग्रामीणता का जो ये है वो यह भी दिख रहा है मुझे। झारखंड सही में बहुत ही विकसित मार्ग पे है वो, अभी भी कुछ बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े मॉल्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। राजमहल मैंने सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, ग्रामीण जीवन शैली का भाव
शहर में भी हमको दिखने को मिल रहा है यहाँ। और सबसे महत्वपूर्ण राजमहल की ये बात है कि ये गंगा किनारे है, बिल्कुल नज़दीक में गंगा यहाँ बह रही है। बिल्कुल अगर इस गली से भी मैं जाऊँ ना तो भी आपको गंगा जी दिखा सकता हूँ। लेकिन हम आगे कोई गंगा घाट देखेंगे फिर जाएंगे। तो हम पहुंच गए ये गंगा किनारे अपने झारखंड के दूसरे शहर राजमहल में। तो राजमहल में आते ही अपने जो राजमहल के जो सारे दोस्त मिले मुझे, आप लालू, विकी, पीयूष और रोशन, इन सब भाइयों ने मुझे अभी यहाँ मदद की और मेरे आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोल गंगा मैया की जय। तो राजमहल में मिले दोस्तों से बातें करके अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं राजमहल का गंगा घाट देखने। वैसे तो गंगा घाट से ही चल के आ रहे हैं हम, लेकिन पहले देखेंगे गंगा घाट। एक गंगा घाट इधर है, इधर से क्या? ठीक है, चलते हैं। तो आए हम सबसे पहले गंगा घाट देखने अपने राजमहल में। राजमहल में नमामि गंगे के तहत ये एक घाट बनाया है छोटा सा, जिसका नाम संगत घाट है और कासिम बाज़ार में पड़ता है ये। और यहाँ से गंगा जी का अंतर काफ़ी दूर दिख रहा है मुझे। बहुत सारे घाटों का निर्माण नमामि गंगे के तहत मैं देख रहा हूँ। कूड़ा कचरा मुझे यहाँ बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। वो एक घाट है वहाँ पे, ये एक है, ये एक है, और यहाँ भी घाटों का निर्माण यहाँ हो रहा है। तो ये जो सीढ़ियाँ बनाई है दोस्तों, ये एक्चुअली ये हम जो है अभी ये गंगा के क्षेत्र में ही है, लेकिन पानी अभी कम होने की वजह से पात्र सूखा देख रहे हैं गंगा जी का यहाँ का। लेकिन जो पानी हमें दिखेगा वो आगे दिखेगा। जैसे ये देखिए, ये उधर देख रही है पूरी गंगा जी, और देखिए कितना विशाल रूप देख रहा है यार गंगा माता का। बाप रे बाप, क्योंकि मैं अभी नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। अभी इन घाटों से काफ़ी अंदर आए हैं हम, और ये पूरा जो पात्र है ये गंगा का ही पात्र है। और आगे जैसे मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी महासागर के किनारे आ गया हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। कोई भी दूसरा छोर गंगा का मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पूरी बहुत बड़ी गंगा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़बरदस्त यार, जैसे किसी समुंदर के किनारे में आ गया हूँ। गंगोत्री से शुरू की हुई यात्रा राजमहल में गंगा का ये विशाल रूप देख के मैं हैरान हो गया हूँ। ज़बरदस्त एकदम, इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। इसलिए ये अपने भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है गंगा। और इसी गंगा के किनारे बसा ये पूरा शहर राजमहल। गंगा का तट एकदम ही स्वच्छ यहाँ नज़र आ रहा है, और इतनी विशालकाय गंगा को मैं यहाँ पे छूना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बार पूजन हमें यहाँ गंगा माँ का करना चाहता हूँ। तो राजमहल में आके इतनी विशाल गंगा को देख के बहुत ही आनंद लगा, बहुत ही अच्छा लगा। गंगोत्री में जिस गंगा की छोटी सी धारा को हमने देखा था, वो धारा इतनी विशाल राजमहल में मुझे देखने को मिलेगी ऐसे मैंने सोचा नहीं था। तो दोस्तों ये सुबह शुरू की कहलगांव से राजमहल का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। आप देख रहे हैं गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा, उसमें 16वें दिन हम रुकने वाले हैं राजमहल में। कल हम जाएंगे फरक्का, जहाँ से गंगा से हुगली नदी का जन्म होता है। तो आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय हिंद।